सुप्रभात, मैं राजेंद्र कौर चैटर्जी सभी छात्रों से यह निवेदन करूंगी कि इस परिस्थिति में सभी अपनी सेहत का ध्यान रखें तथा ईश्वर से प्रार्थना करें कि सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कक्षा 9 के छात्रों की पुस्तक साहित्य सागर का यह पहला पाठ है और इस पाठ का नाम बात अठन्नी की है। इसके लेखक सुदर्शन जी हैं। पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करते हुए छात्र इनका अर्थ लिख लें। इस कहानी के लेखक सुदर्शन जी हैं। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट में सन 1895 में हुआ था। सियालकोट वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी, जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास है। सुदर्शन जी की भाषा सहज अर्थात सरल, स्वाभाविक, लोगों के समझने लायक, प्रभावी, लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने वाली तथा मुहावरेदार है। सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों में ही महारत हासिल थी। आपने अनेक फिल्मों की पटकथा अर्थात कहानी और गीत भी लिखे। प्रस्तुत कहानी बात अठन्नी की में लेखक ने वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या को उजागर किया है और यह समस्या है भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोरी। समाज में यह दिन प्रतिदिन अपने पैर फैलाती जा रही है। फर्क इतना है कि जो अमीर व्यक्ति है उसके साथ प्रशासन है और वह आराम से प्रशासन की नज़रों के सामने से अपने गुनाह कर कर निकल जाता है, परंतु जो व्यक्ति गरीब होता है वह प्रशासन के जाल में पिस कर रह जाता है। प्रस्तुत कहानी इसी पृष्ठभूमि के द्वारा लिखी गई है। कहानी में रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है। उसकी मासिक आय 10 रुपये है। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के हैं। इसी 10 रुपये की मासिक आय में वह सबका भरण पोषण करता है। वह अपनी सारी तनख्वाह घर भेज देता है और घर वालों का गुजारा इसी 10 रुपये की मासिक आय में चलता है। इतने कठिन परिस्थिति में भी उसने कई बार अपने मालिक इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की मांग की, परंतु जब भी वह वेतन बढ़ाने की बात करता तो उसके मालिक हमेशा यह कहकर उसे टाल देते, अगर तुम्हें इससे ज़्यादा कोई दे तो तुम अवश्य ही चले जाओ, मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा। इस परिस्थिति में जीवन जीना रसीला के लिए अत्यंत कठिन हो गया था, परंतु
दूसरी ओर वह यह भी सोचता कि मैं यहाँ पर कई सालों से काम कर रहा हूँ और अमीर लोग जल्द से जल्द नौकरों पर विश्वास नहीं करते। मैं यहाँ इतने वर्षों से हूँ लेकिन मेरे मालिक ने मुझ पर आज तक कुछ भी संदेह नहीं किया है। भले ही मुझे इससे ज़्यादा कहीं वेतन मिल जाए लेकिन जो आदर और सम्मान मैं यहाँ प्राप्त करता हूँ शायद ही मुझे कहीं मिलेगा। हो सकता है कि मेरी आय बढ़कर 11 से 12 हो जाए परंतु मैं हमेशा सम्मान के लिए तरसता रह जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर इंजीनियर बाबू के पड़ोस में जिला मजिस्ट्रेट शेख सलमुद्दीन जी रहते थे। उनका चौकीदार मियां रमज़ान रसीला का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। वे दोनों हमेशा साथ बैठते बातें करते और अपनी मित्रता की चर्चा करते थे। जिस प्रकार दोनों आपस में मित्र थे उसी प्रकार मैजिस्ट्रेट साहब और इंजीनियर बाबू भी आपस में मित्र थे। शेख साहब फलों के शौकीन थे तो रमज़ान रसीला को फल देते था उनके मालिक के यहाँ पहुँचाने के लिए, और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था तो रसीला रमज़ान को मिठाई दे देता था। इस प्रकार दोनों मालिकों की घनिष्ठता और रमज़ान और रसीला की घनिष्ठता बढ़ती ही चली जा रही थी।